केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 2 साल बाद दिल्ली से पटना 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए भारतमाला परियोजना और पीएम गति शक्ति योजना के तहत सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। जैसलमेर में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। वाराणसी के 84 घाटों में से एक खिड़कियां घाट के निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण का काम अपने अंतिम चरण में है। घाट पर देश विदेश के पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रजवाड़े की तरह ठाट बादशाह बेहद खूबसूरत दिखेगा। यह टूरिस्ट प्लेस करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा है। इस घाट को 5 तरीके के ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसमें जल, थल और नभ शामिल हैं। यहाँ कुछ ऐसे स्पेस भी छोड़े गए हैं जहाँ हेलीकॉप्टर के भी उतरने की व्यवस्था भविष्य में हो सकती है। यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान किया गया है और इस ऐलान से यहाँ का माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। वहीं मस्जिद और उसके आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के जवान और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस पर ताबड़तोड़ अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया। इस गोलीबारी में लगभग हमलावरों ने 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर दी। 3 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे राहुल शर्मा ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। पार्टी ने उनको युवा लोकदल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया। बाराबंकी रेलवे के आरपीएफ इंचार्ज अखिलेश कुमार यादव को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने पकड़ा। एक सिपाही को भी टीम ने लिया हिरासत में। आरपीएफ दरोगा और सिपाही की बाराबंकी रेलवे स्टेशन में तैनाती। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा की एक कंपनी की 227 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। किसान संगठनों द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी और केंद्र सरकार के बीच कल मीटिंग हो सकती है। यह बैठक करीब 11 महीने बाद होने जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप फॉय को अगले 6 से 12 माह के भीतर यूनिकॉर्न $1 अरब से अधिक का मूल्यांकन का दर्जा हासिल करने की उम्मीद है। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के फाइनल मैच में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण कोरिया की सेयोंग ने उन्हें सीधे सेटों में मात दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 3रा दिन। भारतीय टीम इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के कोटा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक मां ने अपनी 5 मासूम बेटियों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। 9 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में लखनऊ में विधानसभा के सामने स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह मनाया जाना प्रस्तावित है। इस स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में आयोजित कार्यक्रम का रिहर्सल 5 व 7 दिसंबर को होगा। For latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.